हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। वही चीज आपको करनी है, यहाँ पर भी पोलर फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप कहेंगे मैम ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, बट यू कैन राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा। भी कैसे लिख सकते हैं बेटा, -3 प्लस जीरो आयोटा हो गया। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं आपके, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, क्योंकि उन सबको आप रियल नंबर प्लस जीरो इंटू आयोटा की फॉर्म दे सकते हैं। तो जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स की वैल्यू रियल पार्ट क्या है -3 और इमेजिनरी पार्ट आपका इसमें जीरो है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडुलस, जिसको किससे डिनोट करती है, आर से। ऐसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 9, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। तो आर की वैल्यू आ गई, फर्स्ट स्टेप आपका डन हो गया है। जो पोलर फॉर्म में लिखना है उसकी एक चीज निकल चुकी है। दूसरी चीज जो आर्ग्यूमेंट निकालना है, उसके लिए कहां से स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ये जज करना होता है कि वो कौन सी क्वाड्रेंट में है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, -3, 0 कहाँ लाई करता है बेटा, ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपका जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट लाइज हियर, तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस की ही बात कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां से लेकर यहां तक आपका थीटा हो गया, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, नाउ आपको उसको लिखना कैसे है, एक्यूट एंगल क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें, नाउ इसमें अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए जरूरत ही नहीं है। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ गया आपका, सीधा सीधा दैट इज थीटा विच इज इक्वल टू 5। तो यहां पर एक्यूट एंगल अल्फा देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका सीधा थीटा की वैल्यू पाए आ गई। अब आपका लास्ट है, द पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, विच इज इक्वल टू, आर की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 3, एंड कॉस पाई प्लस आयटा साइन पाई, दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इट बिकम वेरी इजी, जब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्वाड्रेंट में ना लाई करके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द एक्यूट एंगल देयर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, तब तक के प्रीवियस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। टाटा।